नमस्कार दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो हाई लेवल कमेटी बनी थी उसने अपना फैसला सुना दिया है। क्या फैसला आया है, क्या नोटिस में लिखा हुआ है, सारी बातों को हम पॉइंट वाइज बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि क्या क्या हमारी मांगे थी, क्या क्या मांगों को पूरा किया। वैसे लगभग सभी मांगों को पूरा कर लिया गया है, तो चलिए हम नोटिस को पढ़ लेते हैं। नोटिस पढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। चलिए सबसे पहले नोटिस को पढ़ लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, ये नोटिस आया है, ये 10 तारीख का नोटिस है, आज ही का नोटिस है। तो नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर वन में जो लिखा हुआ है कि जो हमारे 20 गुना लोग बोले थे 20 गुना कैंडिडेट नहीं है, तो अब जेनुअन 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, वो भी लेवल वाइज बुलाया जाएगा। ठीक है, फॉर द सेकेंड जो भी हमारा सीबीटी होने वाला है सेकंड स्टेज, उसके लिए बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। पॉइंट नंबर टू में लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस है, जो क्वालिफाइड है पहले से, उनको क्वालिफाइड रहने दिया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा को और क्वालिफाइड किया जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड में यही लिखा हुआ है, द कंडीशन ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड ईच लेवल, मतलब लेवल वाइज जो भी है अब नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किया, जैसे कि लगभग बोले थे 11 गुना या 10 गुना लोगों को बुलाया गया था, अब जो 10 गुना या 9 गुना लोग बच रहे हैं उनको लेवल वाइज अब शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर में लिखा हुआ है कि जो आरआरबी का सेकेंड स्टेज होगा, ठीक है, वो आरआरबी वाइज होगा, जो अभी एनटीपीसी का सेकेंड स्टेज होगा वो आरआरबी, वजह से आरआरबी इलाहाबाद है तो आरआरबी इलाहाबाद है, कोशिश की जाएगी कि वो सिंगल शिफ्ट में हो सके। इसमें लिखा हुआ है कि कोशिश की जाएगी कि वो सिंगल शिफ्ट में, ताकि जो नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सके, इन सब चीजों से बचा जा सके। मगर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता तो परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि सिंगल शिफ्ट में कराना बहुत मुश्किल हो जाती है, तादाद बहुत ज्यादा लोगों को छात्रों की है, तो सिंगल बेस अगर नहीं हो पाता नॉर्मलाइजेशन होगा, वो परसेंटाइल बेस होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर फाइव में ये लिखा हुआ है कि जो ग्रुप डी से रिलेटेड है कि जो लेवल वन का एग्जामिनेशन था वो सिंगल स्टेज होगा, कोई भी डबल स्टेज नहीं होगा, कोई भी सेकंड स्टेज नहीं होगा, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा। पॉइंट नंबर सिक्स में लिखा हुआ है जो आरआरबी का जो ग्रुप डी का लेवल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, वो भी कोशिश की जाएगी कि अब एक सिंगल स्टेज पे हो, जल्द से जल्द हो सके। ठीक है, वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेवन में लिखा गया है कि जो नॉमिनेशन किया जाएगा वो परसेंटाइल बेस पे होगा। अगर परसेंटाइल आपको समझ नहीं आता तो आई बटन पे या वीडियो के लास्ट पे डिस्क्रिप्शन में आप मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप परसेंटाइल को अच्छे से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर एट में लिखा हुआ है जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगी ग्रुप डी के लिए, वही नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पॉइंट नंबर नाइन में लिखा हुआ है जो हमारा ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड सर्टिफिकेट था वो सारे वैलिड होंगे, जो भी अवेलेबल इनकम और एसेट सर्टिफिकेट था वो वैलिड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। जो पॉइंट वन पे लिखा हुआ है कि जो हमारा जो रिवाइज रिजल्ट आएगा वो अप्रैल 2022 में आएगा। ठीक है, और वो लेवल वाइज आएगा, हर लेवल का। जो आप यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है जो सेकंड स्टेज का सीबीटी होगा लेवल सिक्स का, सबसे पहले होगा वो मई 2022 में होगा, लेवल वाइज एग्जामिनेशन होंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि सेकंड स्टेज फॉर द पे लेवल ऑफ द कंडक्टेड आफ्टर गिविंग द, जैसे कि लेवल सिक्स है, लेवल फाइव है, लेवल फोर है, तो सबके बीच में गैप दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको लेवल सिक्स और लेवल फाइव एक दिन ही करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर में लिखा हो गया है ये जो हमारा ग्रुप डी का एग्जामिनेशन था वो सिंगल स्टेज ही होगा, मगर जो भी चीजें उसको कंडीशनेबल बनाया जाएगा, जो भी हमारा मेथोलॉजी है, जो भी यूज हो जाएगी वो, ठीक है, वो सब चीजें यूज की जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो कह रहे थे कि सेकंड स्टेज में होना चाहिए ताकि और अच्छे से छटाई हो सके और चीजें मतलब और क्लियर हो सके, वो सब सारी चीजें होंगी, मगर सिंगल स्टेज में ही कोशिश की जाएगी होने की। तो पॉइंट नंबर फाइव पे लिखा हो गया है कि दिस विल बी इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग द एडिशनल, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन मतलब बहुत बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए अच्छे से अच्छी जो हमारी कंडक्टिंग एजेंसी है वो ईसीए कराएगी, ईसीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को कर लिया गया है, बाकी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको बना लिया जाएगा, वो सब हमारे काम कर रही है। ठीक है, और पॉइंट नंबर सिक्स में लिखा हुआ है कि जो हमारा ग्रुप डे एग्जाम है वो जुलाई में, जुलाई 2022 में ऑनवर्ड होगा, 10 तारीख की नोटिफिकेशन है। ठीक है, सारी बातों को मैंने समझा दिया, अगर नहीं चीज समझ में आई तो समझ लेना, मैं वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। तो बहुत ही खास न्यूज हो गई है अब तक की, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।